ब्लॉक इंडिया ब्लॉक लीडर्स को या पोजीशन को डेकोरम बना के चलना चाहिए। राहुल जी कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये लोग तो नीट पर आप लोगों की जो गतिरोध बना हुआ है उस पर क्यों अभी तक नहीं चीज़ें नहीं ये डेकोरम कौन डिफाइन करेगा? जो आप करें वो डेकोरम है, जो लोग मांग करें वो डेकोरम नहीं है। छोड़िए ना, उनको कहिए वो जो बच्चे लाखों सड़कों पे, उनसे पूछ लें वो क्या चाहते हैं, फिर मज़ा आ जाएगा, फिर समझ में आ जाएगा। ये अहंकार, ये हठधर्मिता किस कीमत पर? बच्चों के सपनों की कीमत पर? एक फ्रॉड नाम की संस्था एनटीए को आप डिफेंड कर रहे हैं। मतलब मैं तो सीधे तौर पे कहता हूँ, जो बच्चे सड़कों पे उनसे पूछ लो संसद को इस पर कैसे बहस करनी चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, सब साफ हो जाएगा। सर, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इससे पहले एक रेजोल्यूशन पास किया अपने राज्य में। अब उन्होंने कल एक लेटर भी लिखा, उसमें कहा गया कि जो अब नीट एग्जाम होने वाला है उसमें हम लोगों को एग्जेम्पशन देना चाहिए। क्या क्या उस कदम से अपोजिशन सहमत है? मेरा मानना है कि ये एक राष्ट्र एक एग्जाम, ये पूरा का पूरा अवधारणा ही फ्लॉड। इसकी वजह से बहुत तरह की विसंगतियों का जन्म होता है। वक्त है कि इसको रिविजिट करें, इस आइडिया को। और एनटीए नाम की जो चीज़ आपने क्रिएट की ना, इसको बंगाल की खाड़ी या अरेबियन सी में फेंक देना चाहिए। क्योंकि अब हालत आप ये बना रहे हैं कि एक राष्ट्र एक परीक्षा, एक राष्ट्र एक चुनाव। कल को कहो कि एक राष्ट्र एक ठेकेदार, वो भी एक ही राज्य से आए, उसी दिशा में बढ़ रहे हैं हम। सर, कल जो एक आर्गुमेंट कहें या नाराजगी व्यक्त कहें जो हुआ खड़गे जी और चेयरमैन साहब के बीच, चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि एक वो टेंटेड डे था कल, आप कैसे देख मैं तौर पे मानता हूं, संसद संसद होनी चाहिए। उसकी गरिमा के लिए सत्ता पक्ष को दो कदम आगे बढ़ना पड़ता है। पूरी दुनिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की अवधारणा दिखी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में लचक, लोथ थोड़ा जो उसको कहते हैं एलास्टिसिटी, वो रूलिंग पार्टी की होनी चाहिए। अहंकार, हठधर्मिता और माइक का बेजा इस्तेमाल करके आप कुछ भी बोल के निकल जाए और विपक्ष को डेमोनाइज करते रहें, ये उचित नहीं। सर, कल हेमंत बेल हुई, अब क्योंकि अपोजिशन आम आदमी पार्टी जो कि आपके अलाई पार्टनर है, उन लोगों को भी उम्मीद है कि केजरीवाल जी को भी बेल मिले। वो आज नेशन वाइड प्रोटेस्ट भी करने जा रहे हैं, क्या उम्मीद रखते हैं आप? देखिए, और मैं सीधे तौर पर मैं ये मानता हूं कि ये सारे मुकदमे फर्जीवाड़ा था। एक व्यक्ति के इशारे पे ये सारी संस्थाएं पॉलिटिकल लीडर्स के पीछे पड़ी हुई थी। दुनिया के उन्हीं मुल्कों में ऐसा होता है जहां तानाशाही प्रवृत्तियां होती हैं। धन्यवाद न्यायपालिका का, समझ में इनको आना चाहिए कि फर्जीवाड़ा करके आपने चुनाव से बाहर रख दिया ना हेमंत जी को, कब तक रखोगे? कभी ना कभी तो न्याय की जीत होगी, इसलिए इस तरह की हरकतों से बाज आइए। सरकार बहादुर, ईडी आईटी सीबीआई को आपने जो बना दिया है ना, उनके चरित्र को फिर से वापस पुराने दौर में करिए। सर, सोनिया गांधी जी ने एक हिंदू में एक आर्टिकल लिखा जिसमें कई अलग अलग इश्यूज उन्होंने उठाए, कैसे सीधे तौर पे मैं कहता हूँ, वो आर्टिकल एक तरह से समीचीन है, समसामयिक है और सरकार को आईना दिखाता है। अब इमरजेंसी की बात देखिए, इंटरेस्टिंग है। मैं तो हमेशा मानता हूँ कि इंदिरा जी के एडवाइजर्स अच्छे नहीं थे। अगर मोदी जी, अमित शाह जी जैसे एडवाइजर होते तो 352 आर्टिकल की ज़रूरत ही नहीं थी। 3, 2, 5 मिलकर के पूरे देश में इमरजेंसी वाले हालात कर देते। फादर स्टेन स्वामी मर जाते, उमर खालिद जेल में पड़ा रहता, मीरान हैदर होता, खालिद सैफी होता, तो वो इंदिरा जी को तो अच्छी एडवाइस नहीं मिली। ये वाला आपातकाल ज़्यादा बढ़िया मॉडल है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।